से भी स्क्रीन दिया है छोटी वाली, अब सब प्रिंट भी रहेगा, बैक से कैमरा के बगल में एक स्क्रीन दिया है। ठीक है अभी, ठीक है ये कैमरा, ठीक है बिचवा, ठीक है बीच वाला। हेलो गाइस, इनको तो आप जानते ही हैं, मिस्टर हरीश शिवरापू, इनके साथ लंबा ट्रिप हमने किया था पिछले ब्लॉग में, और इस बार दो नए लोग हमारे साथ हैं, दो नए दोस्त, दो नए यार, और इस बार हम लोग फिर से रोड ट्रिप पर ही हैं, तो मिलिए। दिस इज शिशिर जैन। कहने का ये मतलब ये निहायत ही सड़क साफ आदमी है। देखो हम घुमक्कड़ हैं भैया, बहुत घुमंतु में घुमक्कड़ है, घूमने के लिए बने हुए हैं, घूमने के लिए पले हुए हैं, ठीक है, और घूमने वाले बंदे ही, और कुछ है नहीं मेरे पास। क्यों भाई घुमक्कड़ है भाई, शान से बोलो घुमक्कड़ है, फुल रियल है। तो ये है सत्येंद्र जैन। हेलो भाई, हमारे साथ। तो नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, अराउंड घर से निकले थे 6 बजे के आसपास, और 100 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया है, और हम लोग अब जाने वाले हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं? राइट, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर्ट। नहीं नहीं यार, कहाँ जा रहा है ये वाकई मुझे पता है, जब भी मैं होता हूँ उसके साथ ना, मुझे मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ, इससे बताना पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं मैं बताओ भाई, कहाँ जा रहे हैं? नहीं वैसे तो हम लोग माउंट आबू जाएंगे, फिर उदयपुर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ये पूरी जर्नी है उसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, तो जो फर्स्ट पॉइंट जो हम जा रहे हैं अभी यहाँ से वो क्या है? पोलो फॉरेस्ट जा रहे हैं, वो विजिट करेंगे, और ओवरऑल जो हम करने वाले हैं इस ट्रिप में वो माउंट आबू और उदयपुर, 3 दिन की जर्नी हमने प्लान कर रखी है। छुट्टी है होली की, पता नहीं ये व्लॉग कब आएगा, क्योंकि पिछले व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, होली का टाइम है, हम लोग होली सेलिब्रेट में भी शायद, ठीक है ये व्लॉग शायद दिवाली में आए, बहुत काम रहता है अपने को, जाने कब करूँगा एडिट, कब करूँगा पोस्ट, वी डोंट नो, बट ये है कि छुट्टियाँ होली की हैं और होली में लोग जा रहे हैं। तो अब मैं नाश्ते का ध्यान देता हूँ, मतलब तू व्लॉग दोस्तों हमारी एक बाइक पीछे है, शिशिर और सत्येंद्र थोड़ा पीछे रह गए हैं, और पहाड़ों के बीच हूँ मैं, आप मेरे ये देखिए पहाड़ आपको दिख रहे होंगे पीछे, इधर पहाड़ है, ये पहाड़ है, और बता दूं कि मैं पोलो फॉरेस्ट में एंटर कर चुका हूँ, हम लोग पोलो फॉरेस्ट में है, तो पोलो फॉरेस्ट के माउंटेन्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ मैं रुका हूँ जहाँ पर, ये कोई बहुत ही पुरातत्व मंदिर है, ठीक है बहुत ही पुराना मंदिर है, और यहाँ पे एक बोर्ड भी था, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ शिव शक्ति का कुछ मंदिर है ऐसा लग रहा था, एक बार बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ, फिफ्टीन सेंचुरी का पुराना मंदिर है, देखो कोई यहाँ कोई नहीं है, और 15th century मतलब इतना ओल्डेस्ट टेंपल है, मतलब पुरातत्व टेंपल तो है ही, और अभी टेंपल के दर्शन करेंगे, जल्दी देखते हैं। दर्शन हो गया आपका? यस ऑफ कोर्स। ओहो ये गुलाब की पंखड़ियाँ। कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा माउंटेन्स को तराश तराश के मूर्तियां बनाई गई है,
वही है और बड़ा ही प्यारा गुंबद। मैं अभी ये बोलने के बाद अच्छे से इसको कैप्चर कर पाऊँ ताकि इसको आप देख पाएँ इसकी सुंदरता को। बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 सेंचुरी का बना हुआ है, तो 500 साल पुराना ये जो है स्ट्रक्चर है पूरा, और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। वहाँ दूर भी बाइक खड़ी है। काफी पुराना स्ट्रक्चर है और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये कैसे मतलब बड़ी पीसफुल जगह है, गर्मी बहुत है, सुबह सुबह ठंड लग रही थी नहीं, और अभी गर्मी है। और शिशिर और सत्येंद्र जाने कहाँ है? शिशिर भाई थोड़ा सा ड्राइविंग हल्का सा बच्चा बच्चे वाला कमज़ोर है, बच्चा कमज़ोर है ऐसा ही बोलता है ना शिशिर भाई, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त आदमी। उनके साथ अगर आप बैठ जाओगे ना 10-15 मिनट, वो इतना ज्ञान देंगे ना आपको, ऐसा नहीं मतलब फेकू ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है भाई को, हर चीज़ के बारे में ज्ञान है। मिनी गूगल है, मिनी गूगल। शिशिर तो उनके साथ काम करते हैं, उनके कलीग हैं, बहुत ही क्लोजली काम करते हैं दोनों, एक ही डिपार्टमेंट में हैं। खैर मैं भी उसी हूँ लेकिन मेरा ऑफिस अलग है, तो दे वर्किंग द सेम ऑफिस, तो इनका तो ये बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ चेंजेस इनमें, इनमें जो चेंजेस बहुत आ चुका है वो मुझे पता है, वो कॉज ऑफ शिशिर भाई है। वो शिशिर भाई ज़बरदस्त हैं, उनसे आपकी मैं उनसे एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उनसे मौका मिलेगा तो, और वो आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे ठीक है कि क्या क्या है, बहुत ही डिटेलिंग बताते हैं वो, ज़बरदस्त। जय शिशिर भाई। हम लोग पीठ पीछे इतनी मस्ती कर रहे शिशिर भाई के, उनको मालूम चलेगा ना तो बोलेंगे तुम क्या क्या बोलते रहते हो। पहाड़ यार ये मतलब ये हमको काट देंगे, ये दुरुप ये बहुत ही गलत भाषा का उपयोग किया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को ठीक है, एहसान मेरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ। अब अपडेट ये है कि अभी हम लोग आ गए हैं उदयपुर, उदयपुर हम लोग पहुँचे करीब 3 बजे के आसपास। हमारा ETA थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू 3:30 बजे पहुँचे,
देखिए पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना वो हमारे सक्सा भाई की है। मीट धूप में चलवा चलवा के मीट मिस्टर सक्सा भाई ड्राई फिश बना दिया ये बंदा धूप में चला चला के। नहीं नहीं देखिए